हे फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है। यहाँ पे जाने के लिए आपको मुंबई से काफ़ी ट्रेनें मिल जाएगा। हमने पनवेल स्टेशन से एक ट्रेन अरनाकुलम एक्सप्रेस पकड़ा जो रात को 9:30 बजे चलता है और मॉर्निंग में आपको 5:30 बजे वडोदरा पहुंचा देता है। वडोदरा से आपको बस लेना पड़ेगा जो आपको 2.5 आवर में केवड़िया पहुंचा देगा। अर्ली मॉर्निंग वडोदरा पहुंचने के बाद, क्योंकि बस स्टैंड वडोदरा रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में है, हमने चेक किया कि कौन सी बसें अवेलेबल हैं जो हमको केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी ले जा सकती हैं, और ये बस का टाइम टेबल है। हमने मॉर्निंग का सबसे पहला बस जो 7 बजे स्टार्ट होता है वो ले लिया, क्योंकि इसमें क्राउड भी कम रहता है और आप मॉर्निंग में इजीली पहले पहुंच जाते हैं, जिससे आपको क्यू में नहीं लगना पड़ता और आपका एंट्रेंस इजी हो जाता है। ये बस आपको 2.5 आवर में केवड़िया, या फिर आप नर्मदा सिटी भी बोल सकते हैं, वहाँ पहुँचाएगी, और वहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी की लोकल बसें हैं जो कि एसी हैं, बहुत अच्छी है, वहाँ से आपको वो पिकअप करना पड़ेगा और वो आपको विद इन 10 to 15 मिनट में स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचा देंगे। ये वो प्लेस है जहाँ पे आपको रहने का भी फैसिलिटी मिल जाती है। इसको नर्मदा सिटी नाम से कहते हैं और ये डेवलप्ड है, आपको रहने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट ओनली 450 पर पर्सन में मिल जाता है। ये जो आप श्रेष्ठ भारत भवन का कॉम्प्लेक्स देखेंगे, यहाँ से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बस तो मिलेगा ही, साथ में यहाँ पे अकोमोडेशन की भी व्यवस्था है, और ये थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो मैंने आपको पहले वाला 450 पर पर्सन का अकोमोडेशन बताया वो आप यूज करें। यहाँ पे आपको अदर एक्टिविटी के लिए भी बहुत सारी फैसिलिटी मिलेगी, जैसे ये साइकिल राइडिंग का बोर्ड आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये लोग आपको बताएंगे कि ये इलेक्ट्रिक साइकिल है, और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट है साइकिलिंग में, तो आप ये राइड ले सकते हैं। इनका कॉस्ट अराउंड 250 से 450 तक जाता है, जो 4 to 5 आवर्स के लिए है। स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए आपको टिकट लगता है, और ये चार्ज, टिकट का चार्ज 150, 380 एंड 1000 रुपीज़ है। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप विंडो की क्यू में ना लगें, आप ऑनलाइन बुकिंग कराएं, बिकॉज ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। टिकट लेने के बाद आप अपना लगेज और गुड्स यहाँ पे सबमिट करा सकते हैं, क्योंकि अंदर आपको कुछ भी ले जाना अलाउ नहीं है, तो आप यहाँ पर सबमिट करा दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको टिकट का प्राइस, एंट्री टाइमिंग, स्टैचू ऑफ यूनिटी का और इसका मैप अटैच कर दूंगा, जिसको आप एक बार रेफर करें जाने से पहले। स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए सारी बसें एसी हैं, और यहाँ से आपको ये बसें मिलेंगी जो आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी 10 से 12 मिनट की जर्नी पर ले जाएंगी। और क्योंकि ये 182 मीटर की विश्व की सबसे बड़ी एंड ऊंची स्टैचू है, आप जब रोड साइड से इसका व्यू देखेंगे तो आपको बहुत ही मतलब मज़ा आएगा। बस में आपको गाइड भी मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। यहाँ पे कुछ 3 or 4 टाइप के गार्डन भी हैं, कुछ कैक्टस गार्डन हैं, फ्लावर गार्डन हैं जिनको आप देख सकते हैं। वहाँ पे क्या आपको डू एंड डोंट्स हैं वो भी आपको ये बताते हैं, किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे आप किस टिकट से जा सकते हैं, और अगर आप दूसरा चीज़ें लाइक म्यूजियम वगैरह देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा टिकट लगेगा। और जो सबसे महंगा टिकट है 1000, उसमें आपको एक्सप्रेस एंट्री मिलती है, इसका मतलब आपको कहीं भी रो में नहीं लगना है, और आपको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा जाने के लिए। बट आई विल एडवाइज़ कि आपका जो टिकट 380 वाला है वो सफिशियंट है,
लाइन में लगने का थोड़ा फायदा भी रहता है, आप लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। आप जो ग्रीन वाटर देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है और ये बिल्कुल क्लीन है अभी, और क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी इसके पास में बनाया गया है और पीछे इसके पूरा नदी का व्यू आता है, पहाड़ियां हैं वहां पे और काफ़ी गार्डन बना गए हैं गार्डन, तो इससे स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो लुक है और उसको देखने का जो आनंद है वो बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि आपको ग्रीनरी दिखाई देती है शहर से दूर। और यहाँ पर टेम्परेचर भी क्योंकि नदी के पास है, पहाड़ियाँ हैं, तो कम रहता है, तो जब आप जहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ही प्यारी हवा भी मिलेगी। तो कुल मिला के जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं आपको बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब, एक गुड फीलिंग आने लग जाती है। यहाँ पर स्टिल काफ़ी काम चल रहा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे म्यूजियम और कुछ और चीज़ें भी बन रही हैं, तो वो जब कंप्लीट होंगी तो उसका भी मुझे लगता है कि आनंद ही आनंद आएगा, आप पूरा दिन यहाँ पर स्पेंड करते हैं। मेरे फ्रंट में आप जो व्हाइट कलर का एक बड़ा सा गेट देख रहे हैं, यहाँ पे आपका दोबारा चेकिंग होगा और अगर आप टिकट नहीं ले पाए हैं तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हैं। ये एक फाउंटेन व्यू आपको दिया है जस्ट फॉर प्लेजर, और उसके बाद जब आपका चेकिंग हो जाएगा तो आप एंट्री करते हैं इसका जो प्रमाइसिस है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। वहाँ पर ये एक ऑटोमेटिक टाइप से यू कैन से एक लिफ्ट है, जहाँ जैसे एयरपोर्ट पर होता है आपको चलना नहीं पड़ता है, लेकिन ये कि यहाँ से बहुत अच्छा मेंटेन किया है, बहुत ही ज़्यादा साफ सफाई है और हाइजीनिक है, आप तरह तरह के प्लांट्स देख सकते हैं। और जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी पहली बार करीब से देखेंगे और ये एक बहुत ही अलग टाइप से फीलिंग रहता है, बिकॉज इट इज़ ए प्राउड मोमेंट फॉर एनी इंडियन, क्योंकि ये विश्व में सबसे बड़ा स्टैचू है। और इसके नीचे ये म्यूजियम जो आपको दिख रहा है, यहाँ से आप एंटर लेंगे और उसके बाद जब आप एंटर लेंगे तो आपको म्यूजियम पहली बार दिखाई देगा, जिसमें काफ़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लोह पुरुष माने जाते हैं उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो नॉलेजेबल हैं रखी हुई हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रमाइसिस में जो स्पीकर लगे हुए हैं उनमें नेशनल एंथम और बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स जो देशभक्ति सॉन्ग्स से चलते हैं, जिससे आपको एक प्राउड फीलिंग आती है और आपका देशभक्ति वाला मन हो जाता है। और इस म्यूजियम में भी आप देखेंगे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच चल रही है जो उन्होंने जब इसका उद्घाटन हुआ था जब दी थी, और इसमें इसके अलावा एक बहुत बड़ी स्क्रीन है जहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में एक मूवी और एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री टाइप से है, वो भी आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के ये म्यूजियम आपको देखना ही है और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिलेंगी अपने देश के बारे में और अपने देश के बारे में जानने को मिलेगा। यहाँ पे मुझे एक और अच्छी बात लगी कि यहाँ पे वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी दोनों ही अलाउ है, और जिससे मैं आपको ये पूरा अंदर का जो व्यू है वो दिखा पा रहा हूँ। और जब आप आगे बढ़ेंगे म्यूजियम में तो आपको एक रो दिखाई देगा, ये रो लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाने के लिए है, क्योंकि ये लिफ्ट आपको जब ऊपर ले जाती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ से आपको एक टॉप व्यू मिलता है। लिफ्ट में ऊपर जाने से पहले मैंने राइट हैंड साइड में ये एक पार्टीशन देखा, जिसमें जब मैं एंटर हुआ तो
मैंने देखा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो यंग स्टेज का पिक्चर है और उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पे दी गई हैं। जैसे आप देखेंगे उनका बुक स्टोर और काफ़ी सारी चीज़ें उनके बारे में यहाँ पे आपको जानने मिलेंगी। तो एक बार आप इसको चेकआउट ज़रूर करें और उसके बाद ही आप लिफ्ट की रो में जाके ऊपर की तरफ जाएं। देख सकते हैं हमारी लिफ्ट आने वाली है और ये लिफ्ट की इनसाइड व्यू है जहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि कौन कौन सी टॉप 5 स्टैचू है वर्ल्ड की। और जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल से ये 7 या 8 मंजिल ऊपर है, तो आपको इस तरह का व्यू देखने को मिलेगा और यहाँ से आप बाहर की पूरी खूबसूरती को देख सकते हैं। और ये मैंने थोड़ा जूम इन करके कैमरे से बाहर का खूबसूरती कैप्चर करने का कोशिश किया है। जब आप 7th फ्लोर के बाद लिफ्ट से 4th फ्लोर की तरफ आते हैं, 4th फ्लोर पे आपको एक ओपन एरिया मिलेगा और इस तरह का व्यू मिलेगा देखने के लिए। और 4th फ्लोर पे आप जब आउटसाइड थोड़ा बाहर जाएंगे तो वहाँ से कुछ स्टेयर्स ऊपर चढ़ने के बाद आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी पास से देखने का मौका मिलेगा। और आप देखेंगे कि ये बहुत ही बड़ा है, इनका जो लेग है वो ही कैप्चर करना कैमरे में पॉसिबल नहीं है। आप देखेंगे, मैं आपको पास से इसका व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्लाइडिंग टाइप से गार्डन टाइप से कुछ शेप दिया गया है, आप देख सकते हैं ये स्लोप। और यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल्स आते हैं क्योंकि उनका एंट्री फॉर स्कूल्स के लिए फ्री है, तो काफ़ी सारे बच्चे आपको देखने मिलेंगे यहाँ पे उनके टीचर के साथ। और क्योंकि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं इस तरह की चीज़ें और उनको जानने भी मिलता है हमारे इतिहास के बारे में, तो आप दूसरे स्कूल्स को, अगर आप स्कूल से हैं या जानते हैं तो आप अपने स्कूल्स को भी वहाँ ले जा सकते हैं। और इसका एंट्री फीस कुछ भी नहीं है जो बाकी लोगों के लिए 380 या 1000 है, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है अगर आप स्कूल में काम करते हैं या टीचर हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी में हम एंटर हुए थे 9:00 और अभी टाइम हो रहा है 1 PM और काफ़ी भूख भी लगी है, तो लेट्स सी व्हाट इज़ अवेलेबल फॉर लंच, देखते हैं क्या है और फिर आपको बताते हैं। जब आप इस फूड कोर्ट में एंटर करेंगे तो आपको लगेगा कि अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे लंच ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे केवल आपको स्नैक्स मिलेंगे और उनका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू आउटसाइड। तो आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंट, हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और कॉफ़ी, हॉट चॉकलेट भी ऑर्डर किया। पेट पूजा के बाद हम आगे के अट्रैक्शन कवर करने के लिए दोबारा से आपको ये बस लेना पड़ेगा जो आपको डैम की तरफ ले जाएगा, जो सरोवर डैम है। और यहाँ पे आपको जो गाइड है बस में वो आपको गाइड करेगा।
बस आपकी नेक्स्ट लोकेशन जो सरोवर डैम है यहाँ पर ड्रॉप करेगी। यहाँ से आपको कुछ हाइट वॉक करना पड़ेगा इस डैम को देखने के लिए। और जब आप इस तरह वॉक करेंगे तो हमने ये एक स्पॉट देखा, यहाँ पे आप बोटिंग के लिए जा सकते हैं। यहाँ से इनका भी चार्ज काफ़ी हाई है, 250 रुपीज। यहाँ से आप जो डैम है उसका व्यू देख सकते हैं। अभी बारिश का सीज़न नहीं है और इतना पानी नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक गाइड है जो आपको पूरा ये डैम का हिस्ट्री के बारे में बताएगा और आगे का फ्यूचर प्लान जो है उनके बारे में बताएगा। इसमें सबसे ज़्यादा बिजली यहाँ से एमपी को दी जाएगी और पानी सबसे ज़्यादा गुजरात में जाएगा। तो यहाँ जो बिजली बनती है इसमें इस प्रोजेक्ट में दो पावर हाउस बनाए गए डैम के अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम में। तो अपस्ट्रीम में वो कैनाल है, पावर हाउस से अपने इंजन बनावट के टर्बाइन लगे रेल के टर्बाइन है, पाइप टर्बाइन, उसी का बिजली बना हुआ पानी नॉर्थ ऑफ गुजरात में जाएगा मुख्य कैनाल के मार्फत। लेकिन इस प्रोजेक्ट में डायरेक्ट मुख्य कैनाल नहीं बनाए, 8 किलोमीटर के बाद बनाए ताकि जगह थोड़ा मार्के ले जाए। यहाँ से कैनाल बनाए जाए तो इस वक्त 600 करोड़ मुआवजा बढ़ जाए, उसको कम करने के लिए कहेंगे। हमने सरोवर डैम देखने के बाद वापस जाने का डिसाइड किया। यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट हैं जैसे गार्डन है एंड लेक्टस गार्डन है और फ्लावर गार्डन है, आप उनको देख सकते हैं। बट क्योंकि हमको वापस जाना था और भी काफ़ी सारे काम थे तो हम लोगों ने डायरेक्ट बस ले लिया जो आपको वापस से केवड़िया ले जाएगी और वहाँ से आपको बड़ोदरा के लिए बस मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है कि मंडे को ये क्लोज रहता है तो आप दूसरे दिन जाएं, अगर आप मंडे को जाएंगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके रिगार्डिंग आपको मैप एंड चार्जेज और अदर इंफॉर्मेशन भी दिया है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। And if you like this video, please like, share and subscribe this video.